वालेकुम असलम। कैसे आप सर? यार अच्छा आवाज मेरी क्लियर है जी सर। क्लियर कल यार मैं थका हुआ आया था थोड़ा सा और बिजी था, तो इस वजह से कल आपको फिर क्लास नहीं ले सका। इंशाल्लाह वो फ्राइडे को चलती इंशाल्लाह। है। ठीक है। और हीलियम पे हमारा कंप्लीट हो चुका था, होप सो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। वही चीजें जो हम हीलियम पे किए हैं वही चीजें रिपीट करनी है, लेकिन थोड़े एक नए अंदाज में, थोड़ी सी चेंज होगी। मेन चीजें वही हैं, एक आकार अलग होगा। आज जंगल स्कोर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, हीलियम 10 से ज्यादा आसान है। जंगल स्कोर हीलियम 10 से ज्यादा आसान है। सब कुछ में अगर थोड़ा सा जो फंक्शनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुश्किल था वो हीलियम 10 था। उसमें चीजें बहुत ज्यादा डिवाइड की गई थी। लाइक कीवर्ड हमने सर्च करने थे तो हमें सेरिब्रो मैग्नेट दो अलग अलग टूल थे। लिस्टिंग करनी थी तो उसमें हमें फ्रैंकस्टन सब्सक्राइबल और लिस्टिंग बिल्डर तीन अलग अलग टूल थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जंगल स्कॉट में ये सीन नहीं है। कीवर्ड रिसर्च करना है तो एक ही कॉलम है, उसी में कीवर्ड। लिस्टिंग करनी है तो एक ही लिस्टिंग बिल्डर का ऑप्शन है। ठीक है, उसी में फ्रैंकस्टन वाला काम भी हो रहा है, सब्सक्राइबल वाला काम भी हो रहा है। और जो ब्लैक बॉक्स हम यूज किए थे सिमिलरली यहाँ पे हम प्रोडक्ट डेटाबेस यूज करेंगे, काम सेम होगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, विजिबल है। जी, ये हीलियम पेन का डैशबोर्ड है। देखिए ये पेड टूल है, इसकी फ्री एसेस नहीं होगी। हीलियम पेन क्योंकि ये जंगल स्काउट है, ये जंगल स्काउट का डैशबोर्ड है, इसकी फ्री एसेस नहीं है। ठीक है, वर्किंग सेम होगी इसकी। आपको पेड आईपी मैं सेंड करूंगा इंशाल्लाह, जब ये टूल्स हमारे इंशाल्लाह मंडे को अगर कंप्लीट हो गए तो मंडे को कर दूंगा, अदरवाइज ट्यूजडे को तो लाजमी होगा, ट्यूजडे को सेंड कर दूंगा। और उसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस कर सकेंगे, इसलिए इस चीज को सिर्फ आप लोगों ने समझना है। काम वही है जो आप हीलियम पेन पे कर चुके हैं। जंगल स्कोप का डैशबोर्ड है सेम हीलियम पेन की तरह है, बस हीलियम पेन में यहाँ थोड़े से एडवांस ऑप्शन थे, इसमें वो नहीं है। इसके साइड पे ही ऑप्शन है यहाँ पे सारे। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रिसर्च है, कीवर्ड्स है। ठीक है, कीवर्ड्स के अंदर ही इसका लिस्टिंग बिल्डर है। हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट रिसर्च करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट हंट करना है जो हीलियम टेन पे ब्लैक बॉक्स में किया था। प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट डेटाबेस आ रहा है। प्रोडक्ट डेटाबेस में हम जाएंगे, जैसे प्रोडक्ट डेटाबेस में जाते हैं हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन होगा। ऐसे जरा गौर से देखें, सेम ब्लैक बॉक्स की तरह का है सेम, लेकिन ब्लैक और हीलियम टेन में क्या था, हीलियम टेन में बेसिक फिल्टर अलग थे, एडवांस फिल्टर अलग थे। और मैंने आप लोगों को एडवांस फिल्टर नहीं करवाए थे, ठीक है, वो मुझे रिमाइंड करवाइएगा। अदरवाइज यहाँ पे वो सारे एडवांस फिल्टर इसमें आ रहे हैं, इसमें देखें सारे एडवांस फिल्टर आ रहे हैं जो मेन यूज करने वाले हैं। जो यूज करने वाले नहीं है उन्हें नहीं करना है, लाइक एलक्यूएस हम नहीं पुट करते, इससे हमारा जो फिर सर्च रिजल्ट होता है वो बहुत ज्यादा बाउंड हो जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन भी, जो बेसिक आपके थे फिल्टर्स वो भी, और जो एडवांस फिल्टर थे वो भी, यहाँ सारे इंक्लूड है इसमें। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। लाइक मार्केट प्लेस मैं यूके की करता हूँ, यूके की मार्केट प्लेस सेलेक्ट की है, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी बताएंगे। मैं कैटेगरी सारी सेलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कौन सी अनगे चीज है। आप लोगों को भी पता है, जो प्रोडक्ट आएगा आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा अनगे चीज है कौन सा अनगे चीज है। प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, ओवर साइज नहीं होगा प्रोडक्ट हमारा। सेलर टाइप, सेलर टाइप दो तरह के ले सकते हैं, FBA और FBM। हम FBA वाला प्रोडक्ट भी ले सकते हैं जो फुलफिलमेंट अमेज़न कर रहे हैं, FBM वाला भी ले सकते हैं जिसकी फुलफिलमेंट मर्चेंट खुद कर रहे हैं। दोनों तरह के प्रोडक्ट होंगे, इनके साथ हम कंपीट कर सकते हैं। बाकी फुलफिलमेंट हम किस मेथड से करते हैं वो हमारी अपनी मर्जी होगी, हमने सिर्फ प्रोडक्ट का आइडिया लेना है। अमेज़न वाला हम इसलिए सिलेक्ट नहीं करते क्योंकि वो उस प्रोडक्ट में हम जाते ही नहीं जिसमें अमेज़न हो।
सेम प्रोसीजर यहाँ पे आप लोगों ने फिल्टर अप्लाई करना है। प्राइस का पहला जो है यहाँ पे कॉलम प्राइस क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था यूएसए यूके मार्केट में प्राइस जो थी वो बताई। देन मिनिमम मैक्सिमम रिव्यूज मैंने बताए कि मिनिमम क्या होने चाहिए मैक्सिमम क्या होने चाहिए। यूएसए यूके में मैक्सिमम 1500, लेकिन मैंने कहा था राउंड अबाउट इसके हो सकते हैं ऊपर नीचे हो सकते हैं, मैं यह 900 रिव्यूज पुट कर। अब मैक्सिमम क्यों पुट किया है इसकी लॉजिक में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिनिमम अगर पुट करूंगा तो मैं इसे लिमिटेड कर दूंगा, सिर्फ मैक्सिमम मेंशन किया ताकि लिमिटेड जितने चाहे एक रिव्यू वाला प्रोडक्ट हो, बाकी फीचर उसके वही हो जो मैंने पुट किए हैं और उसका रिव्यू सिर्फ एक हो तो भी वो मुझे डिस्प्ले हो। अगर यहाँ मैं मिनिमम में 600 मेंशन कर देता हूँ तो मुझे सिर्फ ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जिनके रिव्यू 600 और 900 के दरमियान होंगे और उनका रेवेन्यू 25,000 से ज्यादा होगा, सिर्फ वो प्रोडक्ट्स होंगे। इनकेस में मिनिमम मेंशन नहीं करता तो फिर मुझे हर तरह का प्रोडक्ट शो होगा जिसके रिव्यूज 900 से नीचे हो, चाहे वो 10 रिव्यू हो चाहे वो 5 रिव्यू हो, लेकिन रेवेन्यू उनका 25,000 से ज्यादा होगा तो मेरी क्या जो सर्च रिजल्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। रिव्यूज 900 नेट, नेट से मुराद क्या है कि आप एक प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट में लाइक आप 15 से 50 प्राइस सेलेक्ट कर रहे हैं, इस प्राइस में आप कितना नेट कितना प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए जी, 30% होना चाहिए कम से कम जी, आपका प्रॉफिट 10 से 20 पाउंड पर प्रोडक्ट हो, मिनिमम मैक्सिमम मेंशन कर दिया। रेटिंग आपकी इसमें प्रॉफिट परसेंटेज वाइज लिखेंगे या रुपीस वाइज, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट है जैसे ही आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी करेंसी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ यूपी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रेटिंग 4 से अबव 4.2 से अबव सही है मुझे रेटिंग, तो इसलिए मैं मिनिमम 4 मेंशन कर रहा हूँ, मैक्सिमम 5 तक जा सकती है। रैंक मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों ने वहाँ पे देखा कि रैंक दिया गया था, ठीक है, आई क्यू स्कोर दिया था, ब्लैक बॉक्स ने आई क्यू स्कोर दिया था, सिमिलरली यहाँ पे रैंक होता है, तो यहाँ पे हम ये मेंशन नहीं करेंगे आई क्यू स्कोर। नेट वेट, वेट मैंने आपको बताया मैक्सिमम 5 LB हो या 2 kg हो, ठीक है, सेम है यहाँ पे वेट एलबी में एज अ डिफॉल्ट है तो मैं 5 LB लिख रहा हूँ। सेल्स का नेक्स्ट एडवांस फिल्टर है ये वेट वाला, रैंक वाला, उसके बाद ये नेट वाला, आगे सेलर्स वाला आ रहा है, ये एडवांस फिल्टर है और यही एडवांस फिल्टर हम यूज करते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते पीएल के लिए। नेक्स्ट है सेल्स वाला। अब सेल क्या चीज है, मैंने जब लास्ट टाइम ब्लैक बॉक्स एक्सरे पे कंपटीटर एनालिसिस करवा रहा था वहां मैंने प्राइस को मेंशन किया था, मैंने कहा था प्राइस जो है इसकी बेस पे आपका रेवेन्यू डिसाइड होता है, ठीक है। इनके सेल 2000 है, प्राइस आपकी 10 है तो आपका रेवेन्यू कितना होगा जी, 20,000, ठीक है। प्राइस 10 है, सेल्स 2000 है, रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। इनकेस वही सेल्स 2000 ही रहती है, प्राइस में 20 कर देता हूँ तो रेवेन्यू मेरा 40,000 हो जाएगा, प्राइस की वजह से मेरा रेवेन्यू पे इंपैक्ट पड़ रहा है डायरेक्टली, ठीक है। सिमिलरली अब मैंने यहाँ पे क्या चीजें नोट कर ली है, एक तो मैंने प्राइस और रेवेन्यू देख लेना है, प्राइस मैंने 15 और 50 के दरमियान रखी है तो एवरेज प्राइस जो मेरी बनी वो 30 बन रही है, लेट्स सपोज 30 एवरेज प्राइस मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एवरेज प्राइस मेरी 30 बनी है लेट्स सपोज। अब 30 पाउंड का मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ और मुझे रेवेन्यू चाहिए 25,000, ठीक है, तो अंदाजन कितनी सेल्स होनी चाहिए कि मुझे 25,000 रेवेन्यू आउटकम मिलेगा। 30 का प्रोडक्ट है तो यहाँ 1,000 सेल हो तो भी मुझे कितना मिल जाता है, 30,000 का रेवेन्यू आउटकम मिल जाता है, जनरेट हो जाता है। अगर इनके प्राइस मेरी 30 हो, सेल्स मेरी 1,000 हो तो मेरा रेवेन्यू कितना बन जाता है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 बन जाता है। लेकिन आपने एग्जैक्ट वो बस ये कैलकुलेशन कर ली कि बस 1,000 है तो मुझे 30,000 मिल रहा है तो वो 1,000 रखो, नहीं, प्राइस थोड़ी सी सेल्स इंक्रीज करें, ठीक है, सेल्स ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसलिए मैंने 1200 लिख दिए, हालांकि रेवेन्यू मुझे 25,000 चाहिए, ठीक है, और प्राइस मैंने यहाँ 1550 ही लिखी है लेकिन सेल्स मैंने 1200 लिख दी है, ठीक है, क्योंकि प्राइस में एवरेज कंसीडर कर रहा हूँ, एवरेज प्राइस कंसीडर कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरा प्राइस 30 का ही होगा, एवरेज है तो इसलिए थोड़ी सी फ्लेक्सेशन रखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि सेल्स को हमने रिव्यू के साथ भी बहुत ज्यादा कंपेयर करना होता है, आपकी सेल्स आपके रिव्यू से कम कभी भी नहीं हो सकती। अगर आपकी सेल्स आपके रिव्यू से कम होती हैं तो आपका प्रोडक्ट बहुत बुरा है,
आप उस प्रोडक्ट में कभी नहीं जाएंगे। हमेशा अपनी सेल्स जो है वो रिव्यूज से, मैक्सिमम रिव्यूज से ज्यादा ही होनी चाहिए। लाइक या 900 है तो सेल या 1200 है। वैसे लॉजिक ये बन सकती थी ठीक है कि यहाँ रिव्यूज में 600 करता सेल्स बढ़ाता, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा करके लिख रहा हूँ। आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि रिव्यू 600 और जो सेल्स थी वो 1200 कर लेते। इसका मतलब होता है कि एक रिव्यू के बदले आपको दो सेल्स पड़ रही है ठीक है, मतलब दो प्रोडक्ट बिकते हैं तो आपको एक रिव्यू मिलता है, रेशो निकल आते हैं। लेकिन इस तरीके से भी हो सकता है ठीक है। अभी 3.4 रेशो बन रही है तो नॉट बैड, रिव्यूज मेरे फिर भी कम है। एक लिखा सिंपल, देन मिनिमम सेलर मैक्सिमम सेलर। यहाँ जब पीएल की बात करते हैं तो हमें मैक्सिमम सेलर 1 ही चाहिए होता है। ये जो फिल्टर है ये उस वक्त यूज होता है जब हम होल सेल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अदरवाइज पीएल में हम ये यूज नहीं करते। जब हम होल सेल का प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो हमें जो मिनिमम सेलर चाहिए होते हैं वो 3 या मोर देन 3 चाहिए होते हैं, 3 या मोर देन 3, और मैक्सिमम अप टू आप 12, 15, 16 तक जा सकते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा इससे ज्यादा 70-80 वाले में जाएंगे तो वहां पे बाय बॉक्स का मसला आ जाता है, तो इसलिए 15-20 तक ही रहे तो बेहतर रहता है। एलक्यू देन रेवेन्यू की बात आ जाती है। रेवेन्यू क्या है, आउटकम है, कितना आप उससे जनरेट करना चाह रहे हैं, कितना टर्न ओवर आप करना चाह रहे हैं मंथली बेसिस पे। वो देन एलक्यू एस एक स्कोर है ठीक है, जो यही टूल प्रोवाइड करता है उससे वो स्कोर यहाँ मेंशन करेंगे, लेकिन वो हम मेंशन नहीं करते क्योंकि उससे हमारे एक तो डायरेक्टली उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है हमारे रिजल्ट्स पे, तो इस वजह से हम वो मेंशन नहीं करते। अगर इनके करेंगे तो हमारी जो सर्च टर्म्स हैं, जो हमारी हमारे रिजल्ट्स आने हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। ये सेम ब्लैक बॉक्स की तरह है। देन डेट फर्स्ट अवेलेबल, यहाँ पे ये भी है कि इनकेस अगर मैं चाहता हूँ कि कोई डेट लिख दूँ ठीक है, कि ऐसा प्रोडक्ट मुझे शो हो जो फला तारीख कुछ अपलोड हुआ था तो मुझे वो प्रोडक्ट शो होगा ठीक है, तो यहाँ नीचे से डेट सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये फिल्टर हम यूज नहीं करते, हमारे रिजल्ट्स शॉर्ट हो जाते हैं। इंक्लूड कीवर्ड, एक्सक्लूड कीवर्ड। इंक्लूड कीवर्ड में क्या होता है, लाइक मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे माइंड में ऑलरेडी है, लाइक हेलमेट है, वाटर बोटल है, होला हुक है ठीक है, नाइफ है, और इस तरह के पिल्लो सेट है, कटिंग बोर्ड है, जो भी प्रोडक्ट है लाइक जो मुझे पता है ये गेटेड नहीं है, अनगेटेड है, मैं वो यहाँ पे कीवर्ड्स पुट कर सकता हूँ, कॉमा से सेपरेट कर लूंगा, फिर जैसे ही सर्च करूंगा तो वो की प्रोडक्ट्स मेरे सर्च टर्म्स में होंगे, सर्च रिजल्ट में मेरे पास वो प्रोडक्ट इंक्लूड होंगे। एक्सक्लूड क्या होता है कि इनकेस जैसे मैंने कैटेगरी सारी सिलेक्ट कर ली है, अब इन कुछ कैटेगरीज में मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मुझे शो ना हो, लाइक रेफ्रिजरेटर, ओवन या इस तरह की कोई भी एलईडी लाइट्स एक्सेट्रा, मैं चाहता हूँ ये मुझे शो ना, तो मैं यहाँ एक्सक्लूड कीवर्ड्स में लिख दूंगा ठीक है। उसके बाद जब हम करते हैं पीएल का प्राइवेट लेवल का, तो हम ये जो एक्सक्लूड टॉप ब्रांड है ये सिलेक्ट कर लेते हैं, एक्सक्लूड टॉप ब्रांड, कि हम टॉप ब्रांड में नहीं जाएंगे, हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो लोकल ब्रांड, टॉप ब्रांड में जाएंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भारी भरकम होनी चाहिए। एक्सक्लूड अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली जो अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ढूंढ के हमें क्या करना है। टॉप ब्रांड्स हम होल सेल में नहीं करते, हमने होल सेल में टॉप ब्रांड्स को ही हंट करना होता है बेसिकली। पीएल में हम टॉप ब्रांड्स से अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें टक्कर देने की हमें गुंजाइश नहीं होती। एक सिंपल सा क्राइटेरिया था ठीक है, सर्च करेंगे, जैसे ही हम सर्च पे क्लिक करते हैं ठीक है, सर ये एलक्यूएस जरा रिपीट कर दे जी। एलक्यूएस स्कोर है ठीक है, क्वेश्चन स्कोर्स था एलसेस, जैसे याद नहीं है इसकी एब्रीवेशन एग्जैक्ट, मुझे माइंड से स्किप हो गई है, स्कोर है बेसिकली, यहीं पे अभी आ जाएगा कि हम जब एनालिसिस करेंगे वहां पे एलक्यूएस कहीं ना कहीं आ जाएगा, स्कोर होता है बेसिकली ठीक है। ये टूल प्रोवाइड करता है, ये टूल प्रोवाइड करता है जिस तरह आईक्यू स्कोर था ठीक है, ये प्रोवाइड करता है टूल जंगल स्कोर, कि उस आपकी सेल्स, आपके रिव्यूज और आपके रेवेन्यू को देख के अपनी तरफ से स्कोर देता है कि ये इतना बेस्ट प्रोडक्ट है।
वेल यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हुए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हुए यहाँ पे शो, यहाँ पे बाउल्स हैं, इनका रेवेन्यू देखें 27,786 pounds, 26,000, 35,000 और एब्सोल्यूट अरोमास, फ्रेंच एसेंशियल ऑयल, इलेक्ट्रिक पिगी बैंक। यहाँ पे प्रोडक्ट हम देखेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं साथ उनके रेवेन्यू भी हैं, तो हम मीन रेवेन्यू देखते हैं कि रेवेन्यू हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है और अच्छा है, और साथ प्रोडक्ट की नेचर देखते हैं कि उसकी कैटेगरी कौन सी है, और अगर है कैटेगरी अनगेटेड है तो हम उसमें जाते हैं। सर LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर इस तरह तो नहीं बनता ये कुछ? शायद लेकिन लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर ये चेक करते हैं, मुझे नहीं लगता ये हो, ये शायद ये हो, चेक करता हूँ मैं अभी, जैसे ही आएगा आगे सामने ये इसी शायद इसी टेम्पलेट में आता है LQS, आज उसी से डील कर लें हम लोगों ने। सही एब्रिवेशन मेरे माइंड से स्किप हो गई है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर भी हो सकता है लेकिन जंगल स्पॉट हमें प्रोवाइड नहीं करता, वो हीलियम का काम है। लेकिन यहाँ पे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ये भी एक जगह पे था, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन स्कोर LOS। चले ठीक है वो करते हैं यार, इतने खास चीज नहीं है वो LQS स्कोर ही है। ठीक है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्या एब्रिवेशन पे भी बेस्ट कर लेते हैं। देन ये यहाँ पे आ जाए बात बॉम्ब गिफ्ट सेट, लाइक ये प्रोडक्ट एक है मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा, ब्यूटी से रिलेटेड है लेकिन बात बॉम्ब गिफ्ट सेट है, वो 3 packs है, ये होते क्या है पता नहीं, ये भी नहीं पता मुझे। 40,000 pounds इसका टर्नओवर है, सेल्स इसकी 2100 है, प्राइस 18, प्रॉफिट इससे पर डे जी 13 pounds। थोड़ा सा और प्रोडक्ट्स को देख लेते हैं अदरवाइज इसी पे आएंगे वापस। वाटर वोटर ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसमें चलते हैं। लाइक यहाँ पे देखें वाटर बोतल है, सेट है पूरा, उसमें 2 liters है, 3.8 liters है वाटर बोटल्स। कैटेगरी उनकी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स है, रेवेन्यू वो जनरेट करें जी 29,925 pounds, अप्रोक्सीमेटली 30,000 pounds, मतलब मेरे रेवेन्यू से, मेरे क्राइटेरिया में पुट किए गए रेवेन्यू से ज़्यादा है। सेल्स उसकी 1875 है, मैंने सेल्स 1200 की थी, मेरे क्राइटेरिया से ज़्यादा है, क्राइटेरिया फुलफिल है। प्राइस 15 to 50 मैंने लिखी थी, 15 pounds है इसकी प्राइस, प्राइस भी क्राइटेरिया में है। देन यहाँ पे नीचे एक और जो चीज़ पहले नहीं देखी होगी आप लोगों ने, ब्लैक बॉक्स में यहाँ पे नज़र आ रही होगी नीचे, प्राइस के नीचे भी रेड कलर में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने प्रोडक्ट ओपन किया। वैसे में देखें एक साइड लिखा हुआ 11.34 pounds और दूसरी साइड लिखा हुआ 4.62 pounds, और ये जो 4.62 pounds है ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जो फीसिस दे रहे हैं अमेजोन को, जो खर्चे हैं इसके ये वो है, और जो ये 11.34 है ये इसका प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट में से, मतलब 15 pounds में से 4.62 इसके अमेजोन पे खर्चे हो रहे हैं। पीछे जो इसका 11.34 pounds है इसमें इन केस अगर इसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होके मिल रहा है 2 pounds में तो पीछे इसका 9.34 pounds इसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट FBA प्रॉफिट कैलकुलेटर ये उस पर जाएंगे, ये जो प्रॉफिट है इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंक्लूड होगी, ये सिर्फ क्या है फीसिस है जो अमेजोन को ये प्रोवाइड कर रहा है, लाइक उसमें FBA फी है, रेफरल फी है, ठीक है, उसके बाद वेयर हाउस चार्जेज है ये। नेक्स्ट मूव करें अगर हम इसी पे तो यहाँ पे ये रैंक आ रहा है 530 रैंक इसे दे रहा है, रैंक किसकी बेस पे देता है मैंने आपको बताया था, सेल्स प्राइस और रिव्यूज की बेस पे
इसे रैंक दिया जाता है, रैंक जितना नंबर छोटा होगा आपका रैंक उतना ज्यादा बेस्ट कंसीडर किया जाएगा। रिव्यूज इसके देखें जी 597 है, जो कि मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कम है, मैंने मैक्सिमम 900 पुट किए थे, यहाँ पे रिव्यूज देखें अप्रोक्सीमेटली 600 है। ये LQS आ गया जी, एग्जैक्टली LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर ही है। अब ये मुझे कैसे अंदाजा हुआ लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर देख के, यहाँ पे देखें 6-6-7-7 ही है, अभी 6-6-7 ये क्या है, 10 से ज्यादा किसी के नहीं होंगे, यहाँ पे देखें 8-7-5 ठीक है, 10 से ज्यादा ये LQS किसी का नहीं होगा, क्योंकि लिस्टिंग स्कोर 10 से ज्यादा होते ही किसी का नहीं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे LQS ये है, तो वाकई LQS लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर ही है। ये फर्दर हमने हीलियम पे भी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, हीलियम भी लिस्टिंग स्कोर प्रोवाइड करता है। LQS इसका 6 है, मतलब ये बता रहा है इसकी जो लिस्टिंग है क्वालिटी, इसकी लिस्टिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है। अब ये किसकी बेस पे स्कोर दिए गए हैं जी, अगर इन केस इसकी लिस्टिंग में टाइटल में वो एरर है, करेक्टर पूरे नहीं है, तो इसका स्कोर एक स्कोर काट लिया। सिमिलरली इसने इमेजेस पूरी नहीं लगाई, मैंने जो कंडीशंस बताई थी कि इमेजेस 7 लाजमी होनी चाहिए, वो नहीं होगा तो इसका मसला होगा। अगर इसका डिस्क्रिप्शन 2000 करेक्टर से ज्यादा ना हुआ तो इसका नेगेटिव आएगा एरर। देन इन केस अगर इसके बुलेट पॉइंट 5 नहीं है तो भी इसका ये एरर आएगा, ठीक है। तो इस वजह से इसके स्कोर कम है, इसकी लिस्टिंग कंटेंट और लिस्टिंग क्वालिटी जो थी वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। खैर वो तो हमारे हाथ में, वो आप अपडेट कर सकते हैं। LQS के साथ हमारा डायरेक्ट कोई तल्लुक नहीं है। सेलर एक ही सेलर बैठा है और गो बिल्ड लाइफ, मतलब मुझे एक सेलर ही चाहिए PL के लिए और वो एक सेलर ही बैठा है और वो ब्रांड ही है, ठीक है। देन डेट फर्स्ट अवेलेबिलिटी 22/5/2022 में ये फर्स्ट टाइम आया था एज अ सेलर, मतलब 6 माह पुराना है, लिस्टिंग लाइफ भी 6 माह पुरानी है। रेटिंग इसकी 4.7 है, देन डाइमेंशंस है, देन वेट आ गया जी 0.34 kg, मैंने बताया 2 kg मैक्सिमम, तो इसका वेट 0.34 kg है, तो मतलब मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट डेटाबेस ये जो सेलर है ये मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, वैसे मुझे प्रोडक्ट का आइडिया हो गया यार कि मैं इस प्रोडक्ट में जाके एनालिसिस कर सकता हूँ। तो इस प्रोडक्ट में जाने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट व्यू ऑन अमेज़न कर सकते हैं या फिर यहाँ इसका AC में आप AC इस क्लिक करें, इसे कॉपी करें और सर्च बार में जाके इसे विजिट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट व्यू ऑन अमेज़न करता हूँ और पेज नॉट फाउंड, तो इसलिए मुझे इसका AC ही कॉपी करके आना पड़ेगा। Sometime ऐसा एरर आ जाता है टूल पे, तो पेज फाउंड नहीं होता, ठीक है, तो हमें मैनुअली खुद जाके करना पड़ता है, ये टेक्निकल एरर है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये किया हुआ था, ये आप लोगों को टेम्पलेट शो करवाना, तो यहाँ नई मार्केट प्लेस ओपन करना। अच्छा सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, जैसे आपने ये नई मार्केट प्लेस ओपन की और ऊपर आपने एक मतलब कोड लगाया था लोकेशन का, लंदन के लिए हमने लगाया था E1-E लाइक, तो सर ये हर रीजन के लिए कोड डिफरेंट होता है? जी रीजन के लिए डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे देखें आप मार्केट प्लेस या जब हम अमेज़न पे एज अ सेलर काम कर रहे होते हैं तो हम एक लिमिटेड रीजन को नहीं, हम पूरी मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइक यूके है तो हम पूरा यूके मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर रहे हैं। इन केस हाँ स्टेट वाइज अगर कर रहे हो यूएसए यूके में तो फिर स्टेट वाइज कर दो, उसके पोस्टल कोड्स आपको गूगल से मिल जाएंगे। लाइक आप जिस स्टेट में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लॉस एंजलिस में करना चाह रहे हैं तो आप उसका पोस्टल कोड गूगल से उठाएं और यहाँ पेस्ट करें और आप लॉस एंजलिस आ जाएगी। जो भी आप स्टेट करना चाह रहे हैं, जिसमें रीजन में करना चाह रहे हैं, आपको उसका पोस्टल कोड मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि तो समटाइम क्लाइंट की भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है ना कि जी अगर उसने आर्मस्ट्रांग में करना तो कि जी मुझे सिर्फ आर्मस्ट्रांग में ही चाहिए सारी प्रोडक्ट्स, मैं भी बाइड शिपिंग नहीं करना चाहता, उस सेंस में तो फिर हमें ये कोड सर्च करने पड़ेंगे। तो एग्जैक्टली वो तो डिपेंड करता है ना क्लाइंट क्या कहता है आपको, ठीक है। इनके अगर क्लाइंट ऐसी कोई सिचुएशन डालता है तो ऑब्वियसली आपने उसकी बात मानी है, आप सिंपल जाएं गूगल पे, उसका
पोस्टल कोड उठाएं किसी भी सिटी का, ये पोस्टल कोड होते हैं किसी भी सिटी का, किसी भी स्टेट का पोस्टल कोड उठाएं जिसके वो कहता है वो पुट करें एंड देन बस अप्लाई कर दें सिंपल, ठीक है। वेल ये जो प्रोडक्ट है ये आउट ऑफ स्टॉक पड़ा है, ठीक है, इसका इसने एक्सपायर हो चुका है, तो यहाँ पे देखें नो रिजल्ट फाउंड फॉर दिस, मतलब ये प्रोडक्ट जो था वैलिड नहीं है। खैर अगर इनके वैसे बात करें तो ये इसिन लाइफ टाइम के लिए नहीं होता हर प्रोडक्ट के लिए कि लिमिटेड टाइम, सम टाइम ऐसा होता है कि जब वो प्रोडक्ट को मतलब लिस्टिंग डिलीट कर दे तो फिर तो खत्म, ठीक है। तो इसकी देखे ना लिस्टिंग ही नहीं विजिबल हो रही, व्यू ऑन Amazon करते हैं यहाँ पे देखिएगा, लेकिन सर जब तक लिस्टिंग Amazon पर है चाहे वो एक साल हो, तीन साल हो या चार साल हो, तो उसके लिए तो ऐसे नहीं होता, वो तो सेम का सेम ही रहेगा ना जी। जब लिस्टिंग है डेड, चाहे उसे डेड कर दो, जब तक Amazon पे है तब तक वो इस इन एग्जिस्ट है, इन केस लिस्टिंग ही डिलीट कर दोगे तो फिर जब हो ही नहीं कुछ तो फिर क्यों शो आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, अगली 10 नस्लें बाद आपका अगर कोई याद करता है तो वो वहीं से स्टार्ट कर गया, Amazon को इससे इश्यू नहीं है, ठीक है, खुद करता है सेवन। इनकेस अगर प्रोडक्ट में लॉस होने लग गया तो ऑब्वियसली वो क्या कहेगा कि ठीक है अब डेली बेसिस पे वो वेयर हाउस चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद अकाउंट चार्जेस दे रहा है, तो उसके गले पड़ गया वो प्रोडक्ट, उसने फिर वो निकालना ही है, तो फिर उससे अवॉइड करने के लिए कुछ लोग इतने अवेयरनेस नहीं होते इनके पास कि वो लिस्टिंग को डेड कर दें और प्रोडक्ट वहाँ से उठा लें, वो क्या करते हैं डायरेक्ट लिस्टिंग ही डिलीट करते हैं और प्रोडक्ट रिटर्न कर देते हैं। सर पॉसिबल है कि मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने प्रोडक्ट ओपन किया और उसकी लिस्टिंग Amazon पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक नया क्लाइंट आता है वो ये कहता है कि जी मुझे ये प्रोडक्ट जो है ना ये कर दें, यानी कि उस किसी क्लाइंट को पता हो कि इसकी सोर्सिंग कहाँ से हुई है और वो Amazon को देख रहा और वो कहे कि जी नहीं इसने अब जो है ना वो लिस्टिंग को ख़त्म कर दिया, तो ये सेम जो प्रोडक्ट है मैं इसी को लॉन्च कर देता हूँ, तो वो डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, पोर्टल्स ऐसे होते हैं, ठीक है, उन पोर्टल्स आप वहाँ से वो लिस्टिंग्स बाय कर सकते हैं अगर इन केस उसने डेड लिस्टिंग की है, अगर इन केस डेड लिस्टिंग नहीं की सेम ब्रांड के साथ लाना चाह रहे हैं और अगर वो ब्रांड ट्रेल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ Amazon पे एग्जिस्ट कर रहा था और वो भी डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो और उसने वो ब्रांड अगर पेटेंट नहीं करवाया, पेटेंट एरिया उसका खत्म हो चुका है, टाइम जो था वो खत्म हो चुका है, वो आपको अलाउ कर देता है, तो फिर आप सेम ब्रांड के साथ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। नहीं तो सर इसमें परमिशन ब्रांड से लेनी पड़ेगी कि Amazon से? ब्रांड से लेनी पड़ेगी, Amazon को इससे एतराज नहीं होता, ये ब्रांड का इशू होता है। फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है टी शर्ट की हम बात कर लेते हैं, ABC ब्रांड की टी शर्ट है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो एग्जिस्ट करती है, अब मार्केट में ये देखा गया कि वो ऑल एंड सडन जो है वो ड्रॉप हो गई है, उसकी सेल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेलिंग भी नहीं हो रही, दूसरा बाय आता है वो दो साल में तो उसको उठा लेता है और वो लॉन्च कर देता है, तो उस सेंस में तो वो बाय से भी नहीं ना वो लेगा किसी किस्म की कोई भी परमिशन नहीं लेगा। हाँ जब उसका खत्म हो जाएगा लाइफ टाइम जो लाइक उसने सॉरी जो पेटेंट टाइम था उसका वो जैसे एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ब्रांड से परमिशन नहीं है, लाइक इन केस मैं बात कर रहा था ABC जो ब्रांड आपने किया, लेट्स से उसने पेटेंट ब्रांड वो नाम आपने करवाया हुआ था 10 साल के लिए, 5 साल बाद वो ये काम छोड़ देता है और कहता है कि बस मैंने फर्दर नहीं करना, अपना प्रोडक्ट मार्केट से उठा लेता है और आप कहते हो कि मैं सेम नाम सेम ब्रांड के साथ मार्केट में लॉन्च करूं अपना प्रोडक्ट, तो फिर तो ऑब्वियसली परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, फिर लेनी पड़ेगी। इन केस अगर वो करता है उसका टाइम खत्म हो जाता है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर मसला नहीं है, लेकिन फिर आपको वो ब्रांड अपने नाम पे पेटेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें इस वजह से पूछूं कि मेरा एक दोस्त ने जो है ना वो बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उसको ये इश्यूज आए थे, तो उसने बेसिकली अपनी ना कार ड्यूडेंट्स बनाए थे, तो उससे उसकी अपनी गाड़ी के ऊपर उसका ना एक स्लोगन था डिस्क के नाम से,
तो जब वो उसने मेरे से सारा ब्रांड प्लान बनवाया, ब्रांड प्लान बनाया, तो मैंने उसे कहा कि ना आप इसी को रजिस्टर्ड कर लो। तो मार्केट में ऑलरेडी डिस के नाम से एक टॉवल अवेलेबल था, लेकिन जब उसने इसको करवाया तो उन्होंने कहा कि जी हमारा भी जो है ये डिस के नाम से ही है, DISS। तो उसमें उनमें क्लैश आया। तो जब वो उन्होंने कहा जी हम आपको कोर्ट में सू करते हैं, तो मैंने उसे कहा कि आप इससे पहले कि वो आपको नोटिस भेजे, आप जो है इसको पेटेंट करवा लो। तो उसने पेटेंट करवाया, तो अल्टीमेटली जो पहली पार्टी थी उसे अपना जो है ब्रांड विड्रॉ करना पड़ा, ऑल दो कि उन्हें मार्केट में 10 साल हो गए थे उसी नाम के साथ वो एग्जिस्ट कर रहे थे। लेकिन वो थी वहाँ पे क्या नाम है, फिजिकल मार्केट थी। यहाँ पे अगर इनकेस ऐसा होता है, ऐसे स्कैम हो जाते हैं, दुनिया बहुत अच्छी खासी एडवांस हो चुकी है, ऐसा हो जाता है इनकेस कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च है और आपका ब्रांड भी है ऑलरेडी, पेटेंट करवाया नहीं करवाया सॉरी, तो आप के जो दुष्ट डिफरेंट सेलर और हैं वो भी सेम ब्रांड पे सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। और यहाँ पे क्लैश होता है कि जी एक ब्रांड कहता है कि आपने मेरे ब्रांड के साथ क्यों लॉन्च किया प्रोडक्ट, और फिर वो आगे से पेटेंट करवाने की कोशिश करते हैं, तो अमेज़न डायरेक्ट पेटेंट नहीं करेगा। हाँ गवर्नमेंट कर दे वो अलग बात है, पेटेंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो देख रहा होता है कि इसकी डेट फर्स्ट जो फर्स्ट अवेलेबल कब था, वो डेट देख रहा होता है, उस डेट के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते हैं। ठीक है, अगर इन केस आप करते हो उस पे कि ये आपकी चीटिंग कर रहा है, तो वो आप पे फ्रॉड का केस लाएगा, आपने फ्रॉड किया। फिजिकल लाइफ जो फिजिकल बिजनेस है थोड़ा सा चेंज है। अब यहाँ पे उनके पास प्रूव नहीं था, ठीक है टॉवल एक चल रहा था, अब टॉवल एक प्रोडक्ट है देखें, और गाड़ी का ठीक है, तो अच्छा खासा ये थोड़ा सा हो जाता है फिजिकल में। तो सर मतलब इसका रास्ता क्या होगा? जैसे एक ब्रांड है मेरा, मैंने पहले से ब्रांड रजिस्टर्ड है, लेकिन मैंने इसको जो पेटेंट नहीं कराया, अब मार्केट में ऐसे कितने लोग हैं जो इस सेम नाम से आ जाए, तो मतलब क्या बीच में क्या चेंज हो सकता है कि ब्रांड नेम क्या? जी ब्रांड नेम चेंज करने से बेहतर है, ब्रांड नेम चेंज करेंगे तो आप तो अपनी सारी वो जो इनाम बनाया था मार्केट में वो खत्म कर देंगे। तो ब्रांड नेम आप चेंज नहीं करते, आप उस वक्त ब्रांड को अपने नाम पेटेंट करवा लेते हैं। जब भी इन केस लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, वाटर बोटल लॉन्च किया, जो हमारे सामने अपन है वाटर बोटल लॉन्च किया, एक साल में आपका जो ब्रांड है ना बाकी सेलर की नस्बत टॉप पे चला गया, बाकी ब्रांड्स की नस्बत टॉप पे चला गया। जब आपका ब्रांड टॉप पे गया, आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, जब सेल्स इंक्रीज होगी तो लोग देखेंगे और आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेम आपके ब्रांड को वो कॉपी करेंगे और प्रोडक्ट लॉन्च करने की कोशिश करेंगे सिमिलर, और मे बी कॉपीज भी निकल आए आपके ब्रांड की। वैसे ऐसा अमेज़न पे बहुत रेयर केसेस होते हैं, ना होने के बराबर के सेम ब्रांड के साथ हो गया है, ना होने के बराबर। ठीक है, अदरवाइज वहां पे उनका कॉपीराइट इशू आ जाता है, ना होने के बराबर ऐसा होता है। इनकेस अगर कोई करता है तो एज्यूम कर रहा मैं, तो क्या होता है कि फिर आप क्या करते हैं, जब कोई मार्केट में देखते हैं कि आप सेम नाम के साथ लोग आ रहे हैं, तो फिर आपको आप क्या करते हैं ब्रांड को पेटेंट करवा लेते हैं, प्रोडक्ट के डिजाइन को पेटेंट करवा लेते हैं। जैसे डिजाइन को और ब्रांड को पेटेंट करवाते हैं, फिर बाकी सबको क्या कर दिया जाता है, फारिग कर दिया जाता है, क्या आप ये नहीं कर सकते। फिर आपके पास अथॉरिटी आ जाती है कि आप अगर कुछ चीटिंग कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की कॉपी कर रहे हैं या आपके ब्रांड को कॉपी कर रहे हैं, तो आप उन पे कानूनन जो है वो कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई। ये सारी इनफॉर्मल चीज होती है, फॉर्मल नहीं है। ठीक है, ये तो बाद में बार्गेनिंग में आती है, जब मार्केट में आओ तब आती है, और ये कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि कंडीशन कैसी सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग होता है ये। ठीक है, वेल वो प्रोडक्ट इनकेस नहीं मिला, लेकिन प्रोडक्ट वहां पे मुझे जो आइडिया जंगल स्काउट में हो गया था, वो क्या हुआ, वाटर बोटल का हुआ। कि वाटर बोटल वहां एक बड़ा प्रोडक्ट था, लेट्स सपोज मैंने वाटर बोटल वहां से वो प्रोडक्ट ओपन किया, ओपन करने के बाद उसका मैंने टाइटल देखा, टाइटल में मुझे जो मेन कीवर्ड लगा वो वाटर बोटल लगा। अब इस वाटर बोटल का आप लोगों ने क्या करना है, गूगल ट्रेंड चेक करना है। गूगल ट्रेंड आपको बताया गया कैसा होना चाहिए, अगर वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है गूगल ट्रेंड तो ठीक है। आपने फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, सेम काम करना है। इसे मैं अगर दोबारा करता हूँ तो दुआ करें जल्दी लोड हो जाए, थोड़ा सा टाइम लेता है ये, थोड़ा सा देखें फिर मैं दोबारा लोड करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। वाटर बोटल पे आपने क्या करना है, मार्केट विजिट करनी है। मार्केट विजिट करने के बाद ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन अलग से पेड है। ठीक है, ये अलग है,
हीलियम में था कि अगर आप जंगल्स का हीलियम का डैशबोर्ड लॉग इन करते हो तो हीलियम की एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली लॉग इन हो जाती है, लेकिन इसका वो सीन नहीं है, इसका डैशबोर्ड अलग है, इसकी एक्सटेंशन अलग है, इसलिए ये दो टूल्स कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इसकी एक्सटेंशन अलग है। वाटर बोटल आपने मार्केट विजिट कर ली, मार्केट विजिट करने का ये जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है। ठीक है, आप इस पर क्लिक करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेजेस ये रिजल्ट लोड होंगे एंड देन आपके पास ये डाटा शो होगा। यहाँ पे देखें जी, 1 से ऑनवर्ड आपके पास डाटा है, 10 तक आप लोगों ने यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डाटा 1-5 up to 10 यहाँ तक आपके कंपटीटर होंगे। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर कोई नहीं है इन टॉप 10 में, अगर स्पॉन्सर होता है तो यहाँ छोटा सा ये जो यहाँ प्लस और की का साइन के साथ ऐसे ही लिखा आ जाता है, इस पे भी सेम लाइक टॉप 10 कंपटीटर है यहाँ पे। और अब आप लोगों ने क्या करना है, ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है। ब्रांड डोमिनेंसी कैसे चेक करते हैं, ब्रांड नेम में देखना है, ब्रांड नेम में कोई ब्रांड नेम रिपीट तो नहीं हो रहा टॉप 10 में, ऊपर रिपीट हो रहा है, मैटी जीत हो रहा है, हाइड्रेट हाइड्रेट नहीं हो रहा, ऊपर हो रहा है दो बार लेकिन अभी रिपीट हो रहा है, और एक और ये हो रहा है 4th number पे और 6th number पे। ठीक है, लेकिन डोमिनेंसी नहीं है, रेपिटेशन है। डोमिनेंसी आगे में रेवेन्यू और सेल्स में जाके चेक करूंगा। सेम नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट कॉलम है प्राइस का, प्राइस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है सबकी। ठीक है, कंट्री सेल्स की बात हो जाती है, देखा ओपी 1170 सेल्स हैं पहले, नेक्स्ट जो है अगस्टा 534 है, एक्वा प्योर इसकी सेल्स हैं जी 1694, मैटेजी जो है इसकी हैं जी 13, अच्छा प्राइस 2348, देन आई नेट की 3901, एंड देन अगेन बाई पेज की है जी 2146। मतलब ये ब्रांड देखें पहले तीसरे चौथे नंबर पे 2348 ले रहे हैं, और छठे नंबर पे 2106 सेल लेके जा रहे हैं। ओपन का देखें जी, एंड पे 954 है इसकी आठवें नंबर पे, और यहाँ पे देखें जी टॉप पे 1170 है। अब वो ब्रांड डोमिनेट नहीं हो रहा, बाकियों की सेल चेक करें। अब एक नया जो पड़ा ये 954 पे है, और एक 534 पे पड़ा है टॉप 10 में, 534 सेल्स पे। ठीक है, बाकी देखें, बाकी सेल्स तकरीबन यहाँ पे अच्छी चल रही है, नीचे भी, नीचे थोड़ा सा नजर मारिए 10 से नीचे के बाकियों की क्या कंडीशन है। बाकियों में भी देखें डिपेंड कर रहा है, जो पीपीसी कंपेयर रन कर रहे हैं उसे सेल्स मिल रही है। यहाँ पे देखें 2900 वाला पड़ा है, 3887 वाला पड़ा है। ठीक है, सिमिलरली 600 वाला, 2500 वाला, 2000 वाला पड़ा है, 2200 वाला पड़ा है, 4000 वाला पड़ा है। जो जितना पीपीसी कंपनी रन कर रहा है उतना प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब ठीक है। मैं इस प्रोडक्ट में जाता हूँ, ब्रांड डोमिनेंसी तब होती है इनके सिर्फ ये ओपोड और मैटे ये टॉप पे जा रहे होते हैं, बाकी सारे कोई नहीं। लेकिन अब देखें एक के अलावा 534 के अलावा बाकी सारे तकरीबन 2000-3000 के लगभग सेल्स कर रहे हैं, सिर्फ एक के अलावा, अग्रस्टा के अलावा। ठीक है, मंथली सेल्स तकरीबन अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट है, अभी फुल मैंने नहीं कहा कि प्रोडक्ट अच्छा है, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली डेली सेल्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट, हीलियम ने आपको डेली सेल्स नहीं दी थी, ये आपको डेली सेल्स दे रहा है। डेली सेल्स आ रही है जी 39, 20, 41, 84, 39, 104, 71, 33, ऑलमोस्ट टॉप 10 जितने भी हैं वो सेल्स डेली दे रहे हैं। ठीक है, डेली की सेल्स वो निकाल रहे हैं। ठीक है, वो आ गई आपको एक ही है, वो ग्रस्टा जो है वो 20 निकाल रहा है, बाकी सारे 40 से ऊपर ही निकाल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। अब नेक्स्ट प्राइस देखें जिनकी, जिसकी 10 है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मंथली 12,000, 4,000, 23,000, 31,000, 42,000। यहाँ पे थोड़ी सी आपकी गड़बड़ होगी रेवेन्यू में, कि रेवेन्यू थोड़ा सा इरेगुलर है, कि जो कमा रहे है वो अच्छा कमा रहे है, और एक 4,000 pound, 12,000 pound, 23,000 pound तीन मेरे क्राइटेरिया से नीचे हैं, और ये 9,000 pound चार नीचे हो गया, 24,000 pound पांच नीचे हो गया। तो मतलब इसमें आप ना जाओ, अगर 25,000 रेवेन्यू चाहिए तो इस प्रोडक्ट में
हम नहीं जाएंगे, क्योंकि चार पांच ऐसे सेलर आ गए जिनका रेवेन्यू हमारी डिमांड से नीचे है। टॉप 10 में अगर चार ऐसे हैं तो इट्स मीन अब जो रेवेन्यू जो टर्नओवर जनरेट करना चाह रहे वो नहीं कर सकते आप, तो इसलिए ये प्रोडक्ट हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, हमें नीच चेंज करनी पड़ेगी, अदरवाइज मे बी प्रोडक्ट चेंज करना पड़े। नीच चेंज करके उस पर एनालिसिस करेंगे, अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। डेट फर्स्ट अवेलेबल, सबकी डेट चेक कर लें, 6 माह पुराने होने चाहिए टॉप 10 आपके। नेट, अब नेट का ये प्राइस देखें, इसकी प्राइस 10 थी, 10 पाउंड थी, और 10 में से इसके जो खर्चे थे मतलब जो फीसिस थी वो थी इसकी अप्रोक्सीमेटली 3.87 बनती, और ताकि इसका जो नेट है जो इसका प्रॉफिट है वो 7.13 है, ठीक है 7.13 इसका प्रॉफिट है 10 में से। सिमिलरली नीचे देखें तो 8.77 उसका प्राइस है उसकी, और 5.25 उसका प्रॉफिट है। सिमिलरली नेट क्या बता रहा है कि आपका खर्चा निकाल के, फीसिस का खर्चा निकाल के आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, रेटिंग नंबर, रेटिंग की बेस पे ये नंबर दिया गया है, ठीक है कि रेटिंग कितनी है उसकी बेस पे ये नंबर दिए गए हैं, रेटिंग नंबर इसे कहते हैं, साथ रेटिंग दी गई है वो 4.2 से अबव होनी चाहिए, रेटिंग नंबर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है तो वो मैटर नहीं करता, रेटिंग की बेस पे वो नंबर दिया जाता है, ये टूल देता है कि उसकी रेटिंग कितनी है 4.6 है तो उससे उसके अकॉर्डिंग नंबर दे दिया। देन फीसिस, हाँ 3.86 था, 3.87 का है, अप्रॉक्सीमेटली 7 ही है। अगर देखें फीसिस इसकी 3.86 या 87 है और नेट इसका कितना है जी 7.13, तो इन फीसिस और नेट को मिला के टोटल प्राइस इनकी बनी है 10.99, ठीक है। ये फीसिस मतलब इस फीसिस में सारी फीसिस इंक्लूड हैं, वेयरहाउस चार्जेस भी, एफबीए चार्जेस भी, ठीक है रेफरल फी भी, रैंक, देन ये टूल रैंक प्रोवाइड कर रहा है इसको सेलर को, सेलर वाइज ये टूल रैंक दे रहा है, ठीक है कि इसका रैंक कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 988 है, 316 है, 276 है, 50 है, 9 है, यहाँ पे रैंक दिया है उसकी सेल्स की बेस पे, उसके रिव्यूज, उसके रेवेन्यू की बेस पे। कैटेगरी जी है इसकी स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, एंड देन यहाँ पे जी ठीक है, यहाँ पे रेटिंग नंबर सॉरी जो है यहाँ पे रिव्यू का कॉलम नहीं है, इसमें आप डेट आ गई है, यहाँ पे रेटिंग नंबर ही आपके रिव्यूज को डोमिनेट कर रहा है कि इस प्रोडक्ट में रिव्यूज कितने हैं, और रिव्यूज बहुत ज्यादा हैं, रिव्यूज देख लें, ये जो रेटिंग नंबर है यहाँ पे रिव्यूज को डोमिनेट कर रहा है। पहले इसमें रिव्यूज का ऑप्शन अलग था, अभी नहीं है, तो अभी इसमें अपडेट्स आती रहती हैं, इस टूल में अपडेट आई है और उसमें देखें रेटिंग नंबर में रिव्यूज हैं, अब वो देखें 2500, 4200, 6400, 1400, 24000, तो रिव्यूज बहुत ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा ना गड़बड़ हो गई। प्रोडक्ट खैर पहले भी रिजेक्ट हो चुका था तो इसकी वजह से मोड लग गई है कि अब पक्का रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन जो है एज कम्पेयर टू एक्सरे कम है, एक्सरे में आपने देखा होगा इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जंगल स्काउट के एक्सटेंशन में इसे JS एक्सटेंशन बोलते हैं, इसमें आपके पास रिजल्ट्स में कम इंफॉर्मेशन है एज कम्पेयर टू हीलियम 10, वायरल लॉन्च में इन दोनों से ज्यादा होगी। ये थी आपकी कंपिटिटर एनालिसिस या मार्केट एनालिसिस और प्रोडक्ट हंटिंग ऑन जंगल स्काउट। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग बिल्डर, इसका जो लिस्टिंग बिल्डर है वो थोड़ा आसान है, मजे के, ठीक है, और वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू हीलियम 10, हम कल वो करेंगे इंशाल्लाह। और आज बिल्कुल सिंपल वही पुरानी चीज़ें मैंने रिवाइज करवाएंगे, बस टूल नया था जंगल स्काउट, चीज़ें वही पुरानी थी, ठीक है ये था। और 45 मिनट हो गए,
मिनट है, कीवर्ड्स इस पे करवा देता हूं ताकि कल लिस्टिंग और कल ही वायरल लॉन्च हम स्टार्ट कर दें। देन कीवर्ड्स में आए, इनके अगर हमने कीवर्ड सर्च करने, कीवर्ड्स में हम आएंगे कीवर्ड स्काउट, एक ही है इसमें कीवर्ड स्काउट। कीवर्ड स्काउट क्या काम करता है, दो काम करता है, सेरिब्रो और मैग्नेट का, दोनों का काम कीवर्ड स्काउट कर रहा है, ठीक है, दोनों का काम, सेरिब्रो का भी और मैग्नेट का भी। सेरिब्रो में क्या होता था, आप पेस्ट इनपुट करते थे, मैग्नेट में क्या होता था, आप कीवर्ड पुट करते थे, सिमिलर कीवर्ड। लेकिन कीवर्ड स्काउट में मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ से मार्केट प्लेस सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एंटर अ कीवर्ड और अप टू 10 एसिंस सेपरेट बाय कॉमा। आप यहाँ पे कीवर्ड्स भी पुट कर सकते हैं, एसिंस भी पुट कर सकते हैं, जो मर्जी आपका, ठीक है। तो लाइक वाटर बोटल था तो सर्च करता हूँ इस सर्च टर्म पे कीवर्ड स्काउट के थ्रू। अगर यहाँ पे सिमिलरली कोई किसी प्रोडक्ट का एसिन उठा के कॉपी करके सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे देखें जी, मेरे पास 3380 कीवर्ड्स आए हैं अप्रोक्सीमेटली, और यहाँ पे कीवर्ड्स हैं साथ। सेम काम इनका है कि 30 डे सिस्टम है यहाँ पे इनकी, इसे मैं आपको बताया मैंने कि इसे सोर्ट कर लेंगे हम कीवर्ड्स में, कंपिटिटर एनालिसिस में सोर्टिंग नहीं करनी, हाई टू लो या लो टू हाई, लेकिन इसमें हम कर लेंगे, ठीक है। पहले लो टू हाई हो गए, अब हाई टू लो हो जाएगा। अच्छा, वाटर बोटल जी, ये लो टू हाई हो गया, लेकिन ये जो वाटर बोटल है ये टॉप पे ही रहेगा हमेशा। ये जो वाटर बोटल है, क्योंकि ये मैंने कीवर्ड पुट किया वहां पे, तो ये टॉप करेगा व्हाटएवर इसका सर्च वॉल्यूम जो है मर्जी है, इससे नीचे ऑनवर्ड सॉर्टिंग स्टार्ट होगी, इससे पहले नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसका 6300 कुछ है, मतलब मैंने जो सर्च टर्म ली थी, जो नीच उठाई थी, वो नीच मेरी ठीक नहीं थी, गूगल ट्रेंड, इसलिए मैंने बोला था पहले चेक कर लें, मैंने बताया था। देन वाटर बोटल यहाँ से अभी इसके सर्च वॉल्यूम और देन यहाँ पे ऑनवर्ड नीचे चल रहा है, आपको 12,000 से ज्यादा चाहिए, और ये सर्च डे ट्रेंड मैंने बताया था पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ, माइनर से इफेक्ट होता है, लाइक 1% है वाटर बोटल्स में, 1% है तो इट्स ओके यार, चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 78 है, पॉजिटिव है, तो हम मैं इस पे चला जाऊंगा। 18 है, 19 है, 10 है, ये डाउनवर्ड है, डाउनफॉल में जा रहे हैं, तो मैं अवॉइड करूंगा, बेस्ट कीवर्ड्स और ज्यादा ढूंढने की कोशिश करूंगा। डोमिनेंट कैटेगरीज केस में हम इसका सीजनल इंपैक्ट नहीं चेक करेंगे साथ, सर्दियों में ये पानी भी ज्यादा यूज नहीं होता, तो वाटर बोतल भी नहीं यूज होती। तब भी मैंने बोला है आप गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, मेरे स्टार्ट में मैंने बताया गूगल ट्रेंड चेक करेंगे। मैं यहाँ पे एज्यूम करके सिर्फ चीजें टेम्पलेट समझा रहा हूँ कि नोट क्या क्या करना होता है। आप गूगल ट्रेंड चेक करेंगे, गूगल ट्रेंड आपको डायरेक्ट बता देगा कि आपका प्रोडक्ट सीजनल है या नहीं है। सीजनल होगा तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है जी, फाइन। लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए खराब प्रोडक्ट उठा के समझा रहा हूँ कि जब खामियां ज्यादा सामने आएंगी तो फिर वो ज्यादा बेसिक चीजें डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास डाटा ज्यादा मिल जाता है, पॉइंट छोटे छोटे डिस्क्राइब करने को मिल जाता है। अगर डायरेक्ट मैं वो चीज उठाऊं जिस जो है ही बेस्ट, तो फिर आपको पॉइंट जो खामियां नजर आनी चाहिए प्रोडक्ट में वो नहीं नजर आएंगी, आप खूबियां जो है सिर्फ उन्हीं पे फोकस रखेंगे। लेकिन हम हर प्रोडक्ट में कोई ना कोई खामी ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये खामियां ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जब खामियां पता होंगी कि इस प्रोडक्ट में ये खामियां हैं, अगर जिस ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ये खामियां नहीं होंगी तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट आपका बेस्ट होगा, ठीक है। कैटेगरी, डोमिनेंट कैटेगरीज मतलब कि कौन कौन सी कैटेगरीज इस इन कीवर्ड्स के साथ लोग यूज करते हैं, तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है और डिफरेंट भी हो सकती है, वो होगी सामने। तकरीबन यहाँ पे मोस्टली स्पोर्ट्स एंड आउटडोर ही है, ठीक है। यहाँ पे एक था आई थिंक सो बेबी प्रोडक्ट्स में आई है, ये टोटल बेबी प्रोडक्ट आई है। सिमिलरली कोई कैटेगरी यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट हो सकती है। देन यहाँ पे बात करें जी नेक्स्ट पीपीसी बिड पे, ये जो इंफॉर्मेशन है पीपीसी बिड ब्रॉड एग्जैक्ट की, ठीक है,
या फ्रेज की नहीं बताई गई। खैर ब्रॉड और एग्जैक्ट की ये पीपीसी कैंपेन के लिए ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको हीलियम भी प्रोवाइड नहीं करेगा और वायरल लॉस भी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। बिडिंग, अब जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है उन्हीं के सामने ये बिडिंग आएगी, उनके अलावा किसी कीवर्ड के सामने बिडिंग नहीं आएगी। बिडिंग क्या है, ये बताता है कि कितना रेट लगता है एड चलाने के लिए इस कीवर्ड पे। इस कीवर्ड पे एक एड चलाने अगर तो उसका एक क्लिक के बदले मुझे 0.43 पाउंड देने पड़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे डिफरेंट है कीवर्ड्स, यहाँ पे देखें 0.40, 0.2126, ठीक है। यहाँ पे देखें एक ऐसा कीवर्ड भी है जिस पे जी ये देखें 2 लीटर वाटर बोटल, इसमें देखें 3.39, एग्जैक्ट पे 3.39 पाउंड बिडिंग, इतनी महंगी 3.3 एक क्लिक के बदले, चाहे कोई खरीदे या ना खरीदे एक क्लिक के बदले हमें 3.39 पाउंड देने पड़ते हैं। और साथ देखें ब्रॉड पे एग्जैक्ट पर ब्रॉड आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पे देखें जी 1.67 और ये अच्छी खासी महंगी है, एक क्लिक के बदले इतने। अगर कोई बाय करे या ना करे वो इसका हेडेक नहीं है, बस जैसे ही कोई क्लिक करेगा आपके अकाउंट से इतनी अमाउंट निकल जाएगी, ठीक है। ये बिडिंग की इंफॉर्मेशन, जब हम पीपीसी कैंपेन रन करते हैं तो हम ऐसा कीवर्ड ढूंढते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम बेस्ट हो, ट्रेंड पॉजिटिव हो और पीपीसी कैंपेन जो है इसकी बिडिंग जो है कम हो, तो बेस्ट कंसीडर होते हैं। ईज टू रैंक, नेक्स्ट कॉलम जी ईज टू रैंक। अब ये क्या बताता है कि क्या ये कीवर्ड इस पे आप रैंक इजीली कर सकते हैं, क्या आसान है, क्या मुश्किल है, या थोड़ा बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है। ये जो टेम्पलेट है, ये जो कॉलम है एज टू रैंक, ये आपको बताता है कि ये जो कीवर्ड है अगर ये कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं तो आप इस पे रैंकिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें वाटर बोटल पे बता रहा है इजी, इट्स मीन कंपटीशन कम है, वेरी डिफिकल्ट वाटर बोटल जो नेक्स्ट है स्पेस के साथ, वाटर बोटल वेरी डिफिकल्ट मतलब इस पे कंपटीशन ज्यादा है। सिमिलरली जिसके सामने सम व्हाट डिफिकल्ट लिखा है थोड़ा बहुत मुश्किल, तो मतलब मुश्किल नहीं है थोड़ा बहुत मुश्किल है, इजी वेरी डिफिकल्ट, अब वो कंपटीशन के अकॉर्डिंग बता रहा है आपको कि आपको रैंक कितनी आसानी से मिल सकता है इस कीवर्ड पे। रेलिवेंसी स्कोर क्या होता है जी, ये रिलेट करता है आपके प्रोडक्ट की रेलिवेंसी को, जो कीवर्ड आपने पुट किया है, सॉरी जो कीवर्ड आपने पुट किया है, तो मैं ऐसे आगे कर लू, ये ग्राफ है जी वाटर बोटल का के, ये सेम गूगल ट्रेंड से आपको पता चल जाएगा, उसके सर्च वॉल्यूम का ग्राफ बता रहा है उसके सर्च वॉल्यूम कैसा था पिछले 2 साल का। रेलिवेंसी स्कोर क्या होता है, लाइक मैंने वाटर बोटल लिखा है, अब ये जो कीवर्ड वाटर बोटल विद स्ट्रॉ है कितने परसेंट रिलेट कर रहा है मेरे उस कीवर्ड से वाटर बोटल से, ठीक है, ये कितने परसेंट रिलेट करता है वो स्कोर देता है इससे रेलिवेंसी की बेस पे। तो 37, 31, 20 ये डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट, सॉरी डिपेंड कर रहा है कीवर्ड पे, तो कितना रिलेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसे रैंक दे रहा है, उसे स्कोर दे रहा है। ये आपका है कीवर्ड रिसर्च ऑन जंगल स्काउट, इसे कीवर्ड स्काउट सॉफ्टवेयर है उसकी बेस पे आप करते हैं, उसकी हेल्प से करते हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हीलियम 10 में आपको मिल जाती है, इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो पीपीसी बिड वाली है, ये आपको नहीं मिलती, ठीक है। जब आपको पीपीसी रन करनी पड़ती है तो मोस्टली हम ये जंगल स्काउट यूज करते हैं। ये आपका था यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च, इसका जो लिस्टिंग बिल्डर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार मे बी आसानी से समझना है, थोड़ा सा घुमाने वाला है आसान किया वही सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा घुमाएगा, इसलिए ये आज नहीं ये कल करेंगे, कल ही हम वायरल लॉन्च स्टार्ट कर लेंगे, मंडे को वायरल लॉन्च खत्म हो जाएगा और मंडे को ही मैं आपको फिर टास्क दे के प्रोजेक्ट दे के और टूल्स प्रोवाइड कर दूंगा, एंड देन नेक्स्ट मंडे तक आप लोगों के पास टाइम होगा, मुझे वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है, साथ साथ हमारी क्लासेस भी होंगी और उन क्लासेस में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सोर्सिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया जी सर, चलो ठीक है।
अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज।